अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं खड़ा हूँ कटास के अंदर, जो चकवाल का एक मेन पॉइंट है। कटास एक ऐसा मेन पॉइंट है जहाँ पे हिंदू टेंपल कम्प्लेक्स मौजूद है। इस पूरे इलाका के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो हिंदुओं के लिए सबसे मुकद्दस जगह है वो कटास राज मंदिर है। तो आज हम आपको कराएंगे कटास राज मंदिर की सैर। तो आए अंदर की तरफ चलते हैं। मेन जो डोर है वहाँ से हम इंटर हो चुके हैं। और यहाँ पर मज़े की बात यह है कि ये एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई टिकट नहीं है। डोर पे मेन जो है वो आईडी लेते हैं और नाम वगैरह लिखते हैं रिकॉर्ड के लिए। उसके अलावा यहाँ पे बाकायदा कोई टिकट सिस्टम नहीं है। ये जो जगह है ये TDCP पंजाब उसके अंडर आती है। और यहाँ पर माशाल्लाह इस जगह को जो है ना, वहाँ पर काफ़ी पार्क नुमा बनाया गया है। और यहाँ पर काफ़ी दरख्त वगैरह भी आप देख रहे होंगे पीछे नज़र आ रहे हैं, लगाए गए हैं। और ये जो मेन पॉइंट है, ये हिंदुओं के लिए जो है ना मेन, एक पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मुकद्दस जगह समझी जाती है। यहाँ पे मेन आगे चश्मा भी निकल रहा है, यहाँ आगे हम जा रहे हैं वो आपको दिखाएंगे। तो उसके बाद ये जो मेन, यहाँ पे एक मंदिर नहीं है बल्कि बहुत से मंदिर हैं। और पूरा जो टेम्पल कम्प्लेक्स बना हुआ है वो भी दिखाएँगे। पाकिस्तान में मौजूद हिंदुओं के लिए सबसे मुकद्दस जगह कटास राज मंदिर चकवाल में मौजूद है। कलर का हार से 20 किलोमीटर की दूरी पर चोआ सैदन शाह रोड पर कटास विलेज के अंदर ये मंदिरात मौजूद है। बात यह है कि दोस्तों ये जो चश्मा है इसमें कुछ अर्सा पहले पानी बिल्कुल सूख चुका था, क्योंकि यह एरिया में काफ़ी सीमेंट फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। तो वो सीमेंट फैक्ट्रीज वहाँ पे बोर का पानी इस्तेमाल करती हैं, इसी वजह से इस चश्मा का जो नेचुरल कुदरती यहाँ पे चश्मे थे वो पानी बिल्कुल सूख चुका था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दोबारा पाबंदी लग चुकी है कि सीमेंट फैक्ट्रीज वाले बोर का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अभी दोबारा देखें, माशाल्लाह चश्मा बहाल हो चुका है और ये पानी जो है ना काफ़ी अभी आ चुका है। तालाब में भी काफ़ी पानी है, नहीं तो कुछ अर्सा पहले ऐसा था कि यहाँ पे पानी बिल्कुल सूख चुका था। कटास का मतलब रोती हुई आंखें हैं। हिंदू अकीदा के मुताबिक शिव भगवान की बीवी सती की मौत पर शिव इतना रोए कि इन आंसुओं से ये झील वजूद में आई। इसी वजह से हिंदी जबान में इस मौजूदा झील को शिव का आंसू भी बोला जाता है। हर साल इंडिया और पाकिस्तान से यात्री यहां आकर इस चश्मा पर स्नान करते हैं। हिंदुओं के मुताबिक इस चश्मा पर स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। अच्छा, जैसे ही मैं ऊपर आया हूँ जी, यहाँ पर अब देखें तो ये जो बिल्डिंग है ये मंदिर नहीं लग रहा, लेकिन एक पुरानी टाइप जो है ना रिहायशी बिल्डिंग लग रही है। और इसका मेन अगर आप फ्रंट डोर देखें तो सुर्ख पत्थर से जो है ना बहुत ही डिजाइनिंग से बड़े बड़े पत्थरों को जो है ना काट के ये मेन डोर पर लगाया गया और इसको सजाया गया है। इस झील के साथ बड़ी इमारत राम मंदिर कहलाती है, जिसकी दीवारों पर मुरम्मत मुगलिया दौर में करवाई गई। अच्छा, जो सबसे पहले मैंने बिल्डिंग नीचे आपको दिखाई थी वो माड़ी थी जो सुर्ख पत्थर से बनाई गई थी। ये जो बिल्डिंग है किला नुमा बनाई गई है बिल्डिंग, इसके चारों साइड पे जो है ना किला नुमा ऐसे वो पॉइंट्स बनाए गए हैं। और लेकिन ये डोर वगैरह सारे बंद हैं, अंदर फिलहाल हम लोग नहीं जा सकते। राम मंदिर के साथ अगली इमारत हरि सिंह हवेली है, जिसको 1800 में तामीर करवाया गया।
यहाँ इन सीढ़ियों के रास्ते हम ऊपर सबसे ज़्यादा नज़ारे वाली जगह पे जा रहे हैं, जहाँ पर सात मंदिर मौजूद हैं और जिसे सतगढ़ बोला जाता है। तो अभी मैं जो ये मंदिर है उसकी छोटी बिल्डिंग के बिल्कुल पास पहुंच चुका हूं। ये बिल्डिंग अगर देखें तो ये पुरानी डिज़ाइन में बनाई गई है, जिससे हमें पुराना जो हिंदू आर्किटेक्ट है ना उसका पता चलता है। अंदर भी इसमें पुराने दौर की डिज़ाइनिंग की हुई है, तो वो भी मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए जी, इसके अंदर आ गए हम और ये पुरानी आप डिज़ाइनिंग देख सकते हैं, इतनी खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है। और दीवार पे भी आप देखें, लेकिन हम लोगों ने देख लिया कितने नाम इसके अंदर लिखे हुए हैं जी। लोग अपना नाम पता नहीं क्यों लिख लेते हैं यार, इतने नाम अगर देख लें, पूरा मंदिर भरा पड़ा है नामों से। ठीक है, ये देखिए कमरान राजोका गुजरा वाला, ये देखिए अमीर के बशारत, नंबर भी लिखे हुए हैं जी। का लिखने का कोई मकसद नहीं है, पता नहीं क्यों लोग लिख जाते हैं यहाँ पे। पांच हजार साल पहले कौरव और पांडु की महाभारत जंग में कौरव शिकस्त के बाद कश्मीर के रास्ते यहाँ कटास राज आबाद हुआ। उसने यहाँ सात मंदिर तामीर करवाए, इन्हीं मंदिर को सतगढ़ बोला जाता है।